राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पत्थरगामा में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्रखंड तकनीकी सूचना केंद्र परिसर पत्थरगामा में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार, अंचल अधिकारी संतोष बैठा, उप परियोजना निदेशक गोड्डा राकेश कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कृषि चौपाल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पवन कुमार कापड़ी के द्वारा किया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बाबूलाल पंडित ने कृषि चौपाल आयोजन का मुख्य उद्देश्य एवं कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उप परियोजना निदेशक आत्मा के द्वारा खरीफ फसल धान, उड़द, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि को लगाने के तरीके के बारे में बताया गया। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक ने भूमि का चयन, किस्म खेती की तैयारी, बीज उपचार, बुवाई एवं खरीफ फसल में लगने वाले कीट रोग की पहचान एवं उपचार के बारे में बताया। उद्यान मित्र प्रदीप कुमार शाह ने सब्जी फसल लगाने के तरीके के बारे में बताया। वहीं कृषक मित्र शशि कुमार भगत ने तकनीकी रूप से खेती करने की बात कही। अंचल अधिकारी संतोष बैठा ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लाभुकों को केसीसी ऋण से आच्छादित करने, जैविक खेती करने, रासायनिक उर्वरक को कम से कम उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति एवं अनाज की गुणवत्ता बरकरार रहती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशु शेड, गाय शेड आदि की जानकारी देते हुए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से उन्नत खेती करने की सलाह दी। मौके पर अनुल अंसारी, अरविंद महतो, मनोरमा देवी, पिंकी देवी, मनोहर महतो, अरविंद राय, सिकंदर भगत, यमुना यादव, राधाकांत रमानी, संजय मंडल, कान्हाई मांझी, जयप्रकाश यादव, उत्तम कुमार चौबे आदि कृषक मित्रों सहित अनेकों किसान मौजूद थे। झारखंड दुमका प्रमंडल ब्यूरो चीफ जगन्नाथ महतो की खास रिपोर्ट।